दो बेटियों की हत्या कर महिला ने किया आत्महत्या की कोशिश, मेडिकल कॉलेज रेफर, जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में आज एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां निचलौल थाना क्षेत्र के घोड़ावा में एक महिला ने कमरे के अंदर अपनी दो मासूम बच्चियों की हत्या कर आत्महत्या की कोशिश की है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। वहीं घायल महिला को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है निचलौल नगर के घोड़ावा वार्ड निवासी अमन विश्वकर्मा पत्नी दो बच्चियों के अपने भांजी के साथ घर में रहती थी। आज दोपहर करीब 4 बजे उसकी भांजी शिखा स्कूल से पढ़कर जब वापस लौटी तो दरवाजा बंद था, जिसके बाद उसने शोर मचाना शुरू किया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कमरे का दरवाजा तोड़ा तो घर के अंदर अमन की पत्नी साक्षी, बेटी आरोही और अपेक्षा जमीन पर खून से लथपथ होकर गिरे थे, जिन्हें देख चीख पुकार मच गई। किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद घटनास्थल पर थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां दो बच्चियों को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि घायल साक्षी को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना पाकर सीओ निचलौल और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। वहीं जिला अस्पताल में पुलिस अधीक्षक सौमेंद्र मीणा तथा अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह भी पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी ली। घटना के बाद मोहल्ले में चीख पुकार मची हुई है। वहीं इस दर्दनाक घटना को सुनकर हर किसी का दिल दहलता जा रहा है। थाना निचलौल में एक महिला द्वारा अपनी दो बेटी, जिनकी उम्र 5 साल और 2 साल की है, उन पर चाकू से हमला किया गया और खुद पर भी चोट कारित की गई चाकू से। दोनों बेटियों की मौत हो चुकी है। महिला का भी इलाज चल रहा है यहाँ पर जिला अस्पताल में। यहाँ से उचित उपचार के लिए, जैसे बता रहे हैं कि रेफर किया जा रहा है, उनका उचित उपचार करवाया जाएगा। अभी इसमें अनुसंधान जारी है।